नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। कानपुर देहात में रोजगार सेवकों ने जिला मुख्यालय में विरोध मार्च निकाला और ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति के नेतृत्व में मार्च निकालकर इस दौरान रोजगार सेवकों ने 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लागू किए जाने की मांग की। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की तरह मानदेय बढ़ोतरी करने की मांग की गई। साथ ही ग्राम विकास भर्ती में 50% कोटा आरक्षित करने की भी मांग की गई। विगत विधानसभा चुनाव में के पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को एक सम्मेलन के तौर पे उपहार दिया था कि पुनः सरकार बनने के बाद हम आप सबको EPF का लाभ, HR पॉलिसी और आपकी सेवा संबंधी पुस्तिका बनाने का काम करेंगे, जिसके संबंध में आज तक कोई भी शासन आदेश जारी नहीं हुआ है। हम लोगों के हाल प्रतिदिन प्रतिदिन बेहाल होते जा रहे हैं। सभी लोग परेशान हैं। किसी को 4 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ, किसी को 6 महीने का नहीं हुआ है। इसी संबंध में हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को देने आए थे और इनसे हम ये विनय भी करते हैं कि आगामी त्यौहार के पहले हम सब साथियों की दीपावली बढ़िया ढंग से हो, और इसी शुभकामनाओं के साथ हम अपने साथियों को, आप सबको बधाई देना चाहेंगे। हमारी EPF की समस्या हमारा मुख्य मुद्दा है, जिसको हम शीघ्रतापूर्ण तरीके से इसका निदान चाहते हैं। विगत वहीं मुस्लिम जनगणना को लेकर सपा सांसद डॉक्टर ST हसन का बयान सामने आया है। मुस्लिम जनगणना का समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर ST हसन के द्वारा समर्थन किया गया। उन्होंने कहा कि ड्रामेबाजी चल रही है, मुसलमान अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। वो बिहार के आंकड़ों से साफ है कि मुसलमान की जनसंख्या कम हुई है। जनगणना तो जब सबकी हो रही है और जातियों की हो रही है तो जाहिर है मुस्लिम की तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। उसके अंदर मुस्लिम्स को भी मालूम होगा कि उनकी कितनी तादाद है, और वो जो ड्रामेबाजी चल रही है कि मुसलमान अपनी तादाद बहुत बढ़ा रहे हैं, बिहार के आंकड़ों से तो साफ जाहिर है कि और कम हो गए। वो तो जो बिहार में जाते आंकड़े आए हैं उससे आपको क्या लगता है कि इसका जो भाजपा तो जातिगत विरोध कर रही है, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन पूरा इसके समर्थन में है? यकीनी तौर पर देखिए, जातिगत जनसंख्या का डिमांड हमारे नेता अखिलेश यादव जी बहुत पहले से कर रहे हैं, और सबसे पहली डिमांड अखिलेश यादव जी की यही थी, और ये ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि अब जो आंकड़े चौंकाने वाले आए हैं कि OBCs जो हैं वो 85% है, बाकी तो 15% है। अगर आप इसको एक रोल मॉडल समझेंगे तो थोड़ा बहुत पूरे हिंदुस्तान में फ़र्क हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। OBC को इंसाफ कितना मिल रहा है, OBC को नौकरियां कितनी मिल रही हैं, OBC को आरक्षण कितना मिल रहा है, सबको मालूम है। अब जैसे पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी ने इस बात का भी खुलासा करा था कि 90 सिग्रेटरीज हैं जो हिंदुस्तान के टॉप सिग्रेटरीज हैं, जो सरकार को एक तरह से चलाते हैं, उनमें 3 OBC हैं 90 में। मैं हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर गौरक्षा दल के सदस्यों ने प्रदर्शन कर सभी जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मुकदमा खत्म करने की मांग की है। इसी कड़ी में लोनी में भी हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता ज्ञापन देकर मुकदमा खत्म करने की मांग जिलाधिकारी से करेंगे। जय श्री राम। आज दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। पूर्व में हुई जो घटना है, 1 तारीख को जो घटना हुई है, जय माता दी एक गाड़ी पे लिखा हुआ था, जिसका विरोध हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी ने किया। उसका विरोध करने का परिणाम ये होता है कि वो मुकदमा हम पे लगा दिया जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे, और मुकदमे के आधार पर ही गुंडा एक्ट और जिला बदर जैसी कार्रवाई जो है ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। ये तानाशाही और गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी। अपना दोष छुपाने के लिए आप दूसरों को आरोपी सिद्ध कर रहे हैं, गलत है। ये सरकार से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, इसे बिल्कुल भी हल्के में लेने का काम ना करें। इस पर सख्त से सख्त हम कार्रवाई करेंगे। यदि ये जल्द से जल्द आपने इस कानून को नहीं बदला और ये गुंडा एक्ट और जिला बदर जैसी कार्रवाई को नहीं खत्म किया गया, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा शासन आदेश नहीं है कि जय श्री राम या जय माता दी लिखे होने पर गाड़ियों का आप लोग चलान करो। वो चलान करेंगे, हम फिर दोबारा पुनः विरोध करेंगे, पर ये गुंडा एक्ट और जो जिला बदर जैसी कार्रवाई हम रुकने नहीं है। शासन और सरकार को बनाने में हम लोगों का बहुत सहयोग रहा है, तो योगी जी से मेरा निवेदन है कि, और प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस
संज्ञान में लेकर तत्काल प्रभाव से इस पे इसको निष्कासित। वह हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने पिंकी चौधरी पर 2 दिन में 3 नए मुकदमे दर्ज किए हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ बदसलूकी करने के मामले में थाना नंदग्राम में और हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने के मामले में थाना टीला मोड़ में मुकदमा दर्ज किया गया था। साहिबाबाद थाना पुलिस ने पिंकी चौधरी के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। अवगत कराना है कि थाना साहिबाबाद पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में रहने वाला पिंकी चौधरी और भूपेन चौधरी, जिसे हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष बताया जाता है, के द्वारा हाल ही में हिंदू धर्म के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी। पिंकी चौधरी के विरुद्ध पूर्व में भी कई थानों में 1 दर्जन के करीब अभियोग पंजीकृत हैं। उक्त कारणों से उक्त व्यक्ति के विरुद्ध यूपी गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है तथा अन्य कार्रवाइयाँ प्रचलित हैं। अवगत कराना है कि थाना साहिबाबाद पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद। वहीं मिर्जापुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के दिल्ली आवास पर छापेमारी के खिलाफ केंद्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी मिर्जापुर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रियांक निरंजन जिलाधिकारी मिर्जापुर को आम आदमी पार्टी की तरफ से ज्ञापन सौंप कर केंद्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। आज हम लोगों ने जिलाधिकारी मिर्जापुर को ज्ञापन दिया है और राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन है, क्योंकि जिलाधिकारी के माध्यम से जाना है और उस पत्र में हम लोगों ने मांग किया है कि जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर खराघात करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, यह एकदम सही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को आवाज़ बुलंद करने का अधिकार होता है। आवाज़ दूर दबाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है, यह एकदम गलत है। जबकि एक बार पहले भी संजय सिंह जी के यहाँ छापा मारा गया था, उसमें मतलब अभियुक्त बनाने की कोशिश की गई थी, तो बाद में ईडी के लोग ही उसमें क्लीन चिट देने का भी काम किए थे। आज दूसरी बार उनके घर पर छापा मारा गया है और उसमें यह कहा जा रहा है कि गवाहों के आधार पर इनको अभियुक्त बनाने की तैयारी चल रही है, यह एकदम गलत है। इस लोकतंत्र की हत्या है, इसका पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि इस तरीके से यदि अत्याचार होता रहेगा तो निश्चित रूप से हम लोग सड़कों पर आकर के आंदोलन करने का काम करेंगे। इसके आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता आज माननीय लोकप्रिय सांसद संजय सिंह के आवास पर जो ईडी का छापा मारा जा रहा है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं कि मोदी सरकार की तानाशाही को बंद करें। आप देख रहे हैं मोदी जी जो भी तानाशाही कर रहे हैं, जो भी गलत सही कार्य कर रहे हैं, उसका विरोध करने वाला केवल और केवल एक हमारा सांसद है माननीय संजय सिंह जी। सारे के लोगों के जुबान को बंद कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन सांसद संजय सिंह के जुबान को बंद करने का यह कुकृत्य जो प्रयास किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता उनके साथ हैं, उसका पुरजोर विरोध करते हैं और राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि वो मोदी सरकार के द्वारा किए जाने वाले लोकतंत्र विरोधी कार्यों की हम लोग निंदा करते हैं। सीएम योगी ने 1 सितंबर को बी पैक्स सदस्यता महाअभियान का शुरुआत किया था। अब इस कड़ी में महोबा के 42 समितियों में सदस्यता लक्ष्य 11,760 के सापेक्ष 19,718 सदस्य बने हैं। वहीं हमीरपुर में 46 समितियों के सदस्यता लक्ष्य 12,880 रखी गई थी, इसके परोक्ष 20,101 सदस्य बने हैं, जबकि महोबा में सदस्यता महाअभियान 2023 में मंडल में पहला स्थान हासिल किया है। अभी सहकारी समितियों में समितियों का कंप्यूटराइज, सारी समितियां जनपद महोबा में 42 समितियों में सभी में कंप्यूटराइज हो रहे हैं। 5 जन औषधि केंद्र आए हैं और अभी पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी की भी योजना है, जो जनपद महोबा में अपनी समितियों के माध्यम से हम लोग पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी भी लगाएंगे, जिसमें समितियों को भी लाभ होगा, किसानों को भी लाभ होगा। जन औषधि केंद्र खुल जाने से कितना लाभ होगा किसानों को? किसानों को भी लाभ होगा और आम जनमानस को भी लाभ होगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की बहुउद्देशीय योजना है और सहकारिता के माध्यम से जितनी समितियों में बड़ी योजनाएं हैं,
माननीय अमित शाह जी और माननीय जेपीएस राठौर जी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने एक योजना बना रखी है कि पूरी सरकार सहकारिता के माध्यम से हम लोग सब नंबर वन पर रहेंगे। वहीं छिबरामऊ में 3 दिन से गायब हुए किसान का शव गंगा के बाहर पेड़ पर लटकता हुआ मिला। जब सुबह लोग अपने पशुओं को चराने के लिए खेत की तरफ जा रहे थे, तभी गांव के बाहर जामुन के पेड़ पर शव लटकता देखा। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भू माफियाओं के विरोध कानूनी कार्रवाई कर रही है, भूमि को मुक्त करने का काम कर रही है ताकि माफिया के कब्जे में जो जमीन है उसे छुड़ाया जा सके, आरोपियों को जेल भेजने का भी काम कर रही है। बावजूद इसके मैनपुरी में भू माफिया के हौसले बुलंद हैं। इनका जीता जागता सबूत मैनपुरी के विकासखंड बेवर क्षेत्र के ग्राम पंचायत परोख में देखने को मिला है, जहाँ मजरा बमिया में खलियान की खाली पड़ी जमीन पर एक गांव के शिक्षक ने अवैध रूप से कब्जा कर प्राइवेट विद्यालय बना लिया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी खलियान की भूमि को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया है। ग्रामीणों का यहां तक आरोप है कि जो भी राजस्व विभाग की टीम मौके पर आती है, शिक्षक उन्हें सुविधा शुल्क देकर मामले को रफा दफा करवा देता है। विकास कहीं नहीं, तो पहले हमारा पानी चलता था जी, हमारा निकल जाता था हाँ। लेकिन अब इधर जो वो खलंजा पड़ा है प्राइमरी का हाँ। तो उधर रास्ता बंद हो गई जी, पानी निकलना बंद हो गया। ठीक है, अब ये पानी है भरा रहता है, इसी में बड़ा रहता है, इसी में बड़ा रहता है। बता रहे हैं कई मवेशी भी मर गए पानी में, ये लट्ठा जुगड़ा है जी, यहाँ एक पड़ा चलने गया तो मर गया। ठीक है, और दूसरा ये दिक्कत तो है यार हम लोगों को, और ये पहले जो आए थे लेखपाल वगैरह जी, उन लोगों ने नक्शा दुरुस्ती नहीं की। ठीक है, ये खलिहान की उसमें 3 बीघा है और खतौनी में ये 5 बीघा 4 बीघा यानी 17 विषय जी जी, तो मौके पर जितना नाप गए थे उतने पे वो लोगों ने छोड़ दिया और छोड़ने के बाद वो उन्होंने बाउंड्री बना दी। ये नहीं मालूम है, क्लियर लफा नहीं है कहाँ पर क्या है, तो इसका निकास कर। देखिए, अभी तक जो मेरे संज्ञान में आया है मामला, ये ग्राम परोखा का कोई माजरा है बनिया जी, वहाँ गाटा संख्या 778 है जो खलिहान का नंबर है, उसके बगल में जो है कोई प्राइवेट आदमी अपने लैंड में जो है बना रखा है उन्होंने विद्यालय। ऐसी शिकायत मिल रही है कि उस नंबर के सहारे इनके द्वारा खलिहान की जमीन पे कब्जा किया गया है। इसमें टीम मैंने बना दिया है और इसकी जांच मैं इसकी पैमाइश करा ले रहा हूँ। अगर उनका कब्जा पाया गया तो नियमानुसार उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी। ये साहब मेरा यहाँ बढ़िया होता थे, पहले इन लोगों ने जोड़ा भरी जबरियन से बढ़िया फेंक दे और ये मकान बना दिया हाँ, और वो ऐसी जगह नहीं है, इतना गोबर कंडा डाले था। ठीक है, और ये बीमार तो फैल ही जाएगा। अब क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ साहब परेशानियाँ बहुत होती, ये ट्रांसफार्मर रखा पानी में साहब जी, तो पानी निकला यहाँ एक साहब मवेशी पहले मर गई। ठीक है, और कोई लड़का किसी का बच्चा चला जाए वो भी मर जाएगा। चारों तरफ से देखिए साहब, वो भी खलियान है, उधर भी मकान बना दिया। किसी आला अधिकारी से शिकायत की अब तक? हमने 10 क्षेत्र पर कम्प्लेंट करी, 3-4 दिन से कर रहे हैं, 19 तारीख को भी करी जी, आज भी करी, उन्हें कार्रवाई हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ की धमकी देते, सरकार आ जाएगी तब देखेंगे, सपा सरकार आएगी। कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं? जी उदय प्रताप सिंह, शिव प्रताप जे लोग। अच्छा, आज ही मैं रोकने आई, काम मत कराइए फिर भी वो बताएंगे। अच्छा, ये बताइए भाई साहब, अगर जो बात करें ये खलिहान की, तो कितने बीघा की आई है खलिहान? 5 बीघा है साहब सारा। दीपावली का त्यौहार इस सीजन नजदीक है और आप भी देसी घी से बनी मिठाइयाँ खाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी मिठाई में मिलावट हो सकती है। गाजियाबाद कॉलोनी में शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिठाई की दुकान पर छापेमारी की गई, जहां मिठाई और मिठाई बनाने में इस्तेमाल देसी घी के सैंपल इकट्ठा किए गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के 2 नंबर स्थित सुनहरी लाल रेस्टोरेंट पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार मिलावट की शिकायत सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम यहाँ पहुंची है और यहाँ बेची जा रही देसी घी से बनी मिठाइयों
के सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। आपको बता दें कि देसी घी के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। हालांकि खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी मीडिया के सामने इस मामले में ज्यादा कुछ बोलने से बचते हुए नजर आए। सैंपल मिठाई कौन कौन सी मिठाई है? आपने देसी घी की आइटम कर लिया तो ये कहीं आपकी शिकायत दर्ज हुई है जिसके वजह से ये लोग यहाँ पर आए हैं? शिकायत हमारे लोग हो जाए दिवाली के सीजन में ऐसा होता है। अच्छा, फूड इंस्पेक्टर का ये कहना था कि जो आप जो घी यूज कर रहे हो वो किसी ब्रांड का नहीं है, ना ही इसको कोई रैपर है, ना ही कुछ है, ऐसा कुछ क्या है? ना ब्रांड है अपना, मधुसूदन कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हैं? मधुसूदन इस्तेमाल करते हैं। फूड इंस्पेक्टर का जो कहना है वो उनका कहना ये है कि आपने किसी प्रकार के उनको बिल भी नहीं दिखाए थे जो आप घी ला रहे हैं। नहीं तो बिल है ना अपने पास में, बिल मांगने की बात हो जाएगी। तो उन्होंने आपसे बिल नहीं मांगे? बिल की ऐसी कोई बात नहीं है, बात बाकी आपने जो मधुसूदन का घी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो आप लोगों से सैंपल लिए उससे घी से लोग और किस चीज के सैंपल लिए गए? घी है और अपने घी की मिठाई, बनी हुई मिठाई, घी की बनी हुई। हमने यहाँ पर एक घी का एक पतीसे की मिठाई का नमूना लिया है। अच्छा, शिकायत किसने की थी? अब ये सिर्फ डिस्क्लोज नहीं किया जाए। अच्छा, नहीं किया जाए। अच्छा, अब ये जो उनका जो कोई किसी भी तरह का जो दंड होगा वो कब तक आप इसकी जानकारी दे? नहीं, 15 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। लगभग कितनी देर जाँच चली है ये? अरे माधव, एक घंटा। एक घंटा। कितनी मिठाइयों के सैंपल आपने कलेक्ट किए हैं सर? एक पतीसा का और एक घी का। देसी घी और पतीसा का, दो कलेक्ट किए। अच्छा, जो अंदर हमने यहाँ पर एक घी का एक पतीसे की मिठाई का नमूना लिया है। अच्छा, शिकायत किसने की थी इसकी?